थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई चैनल। टूडे आई मेक ऑर्गेनिक वेजिटेबल सूप। तो हम कैसे ये सूप बनाएंगे वो मैं पूरा बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। ये शिलोंग में हम ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल कलेक्ट किया है, जस्ट ये सूप बनाने के लिए ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल सूप है। क्या है सूप? तो सूप में हमारा जो है, पहले मेरा यहाँ पे कुछ गार्लिक, मैं गार्लिक को थोड़ा पेस्ट, ये थोड़ा स्मैश्ड किया हुआ है, कुछ कट चॉपिंग भी किया हुआ है, और चिली, और यहाँ पे अनियन जो है थोड़ा बड़ा है, प्याज और थोड़ा कटिंग भी है, और यहाँ पे ब्रोकली है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं बीन्स लिया, टमाटर, हरा टमाटर भी है और रेड टमाटर भी है, और उसके संग कैप्सिकम भी है, और यहाँ पे जो है ये है बंधा गोभी, और आपका आलू है, और ये पपीता है, और ये गाजर, और ये मटर। जनरली ये सब आप लोग पहचानते हैं, लेकिन इसको हम कैसे सूप बनाएंगे एक अच्छे तरीके से, ऑयल फ्री, जिसमें हम ऑयल नहीं डालेंगे, एकदम ऑयल नहीं डालेंगे, तो कैसे हम बनाते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। अभी पहले क्या करेंगे, हम अपना जो कढ़ाई है, ये मेरा कोई नॉन स्टिक नहीं है, ये मेरा नॉर्मल कढ़ाई है, तो ये कढ़ाई में मैं थोड़ा अपना पहले से इसको हीटिंग करूँगा। तो अभी हीट होने के बाद तो मैं इसमें क्या थोड़ा अपना बटर दूंगा, बटर से मैं क्या करूँगा कुछ फ्राई करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरा बटर अभी आ गया है, ठीक है। तो ये बटर को मैं कढ़ाई में थोड़ा डालूँगा, कढ़ाई जो है कढ़ाई में थोड़ा मेरा बटर आ गया, उसके बाद मैं पहले लहसुन डाल दूँगा इसमें, लहसुन फ्राई होते हो थोड़ा फ्राई हो होने का मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो अनियन है वो भी डाल दूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ को रेड नहीं करना है, मैं हर चीज़ को वाइट रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। अभी मैं क्या करूँगा, अनियन को थोड़ा इसमें फ्राई कर लिया, कभी मुझे थोड़ा फ्राई करने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा टाइम, 10-5 मिनट 3 मिनट ऐसे हल्का। अभी मेरा ये इसको मुझे हल्का स्टीम में करना है, ज़्यादा स्टीम में नहीं, मैं थोड़ा इसको हल्का स्टीम में, अभी ये थोड़ा मतलब मिक्स हो गया धनिया पे। अभी इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सा हल्का सोया सॉस इसमें हम डालेंगे, इसमें हम हल्का सोया सॉस डाल देंगे, और डालने के बाद थोड़ा इसको मिक्स कर देंगे। और एक वाइटल चीज़ है जो अभी मैं पहले नमक नहीं डाला, नमक डालने अभी हम थोड़ा इसमें हम नमक थोड़ा डाल देंगे एज रिक्वायर्ड, जितना हमारा रिक्वायर्ड है वो हिसाब से हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। अभी मार्केट में बहुत सारा मरीच भी मिल रहा है, डास मरीच, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग मरीच जो है, ठीक है, मरीच आप लोग ऐसे जो गोटे वाला मरीच है इसको कूट के, या नॉर्मल ये मरीच को आप दे सकते हैं इसमें। अब ये जैसे फ्राई हो जाएगा थोड़ा वो, उसके बाद मैं क्या करूँगा, वन बाई वन जितना भी वेजिटेबल्स है ये सब सारे वेजिटेबल्स इसमें हम थोड़ा फ्राई के लिए दे दूँगा। ऐसे करके मैं इसको पूरा मिक्सअप कर लूँगा, नमक का संग जो जो था ये पूरा मिक्सअप हो जाएगा, और इसका कलर भी थोड़ा चेंज, कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा थोड़ा टाइम इसको मिक्सअप करने के लिए। अभी देखिए थोड़ा वो ये जो है थोड़ा तो मिक्सअप हो गया है, अभी मिक्सअप जैसे हो गया है, अभी हम इसको और कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ये कंडीशन में हम जस्ट इसको क्या करेंगे, हम इसको उतर के, अभी जो मेरा काम है मेनली ये है, यहाँ पे मेरा प्रेशर कुकर में है, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे पानी दिया हुआ है जो मैं बॉयल कर रहा था, तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटली ये जो चीज़ है ये चीज़ हम यहाँ पे पूरा डाल देंगे। ये पानी का अंदर धीरे धीरे हम इसको डाल देंगे, और इसको ज़्यादा स्टीम में हम रखेंगे, पूरा फुल स्टीम में, लेकिन जब हम कढ़ाई में जब इसको बटर के संग जो मसाला के संग मिक्सअप कर रहा था तब हम पूरा स्टीम नहीं देंगे। हाँ ये मेरा पूरा सब्जी है, इसमें
अभी डाल दिया हूँ, अभी इस सब्जी में यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दूँगा। और मिक्स करके एक ही चीज़ है जिसमें मुझे पहले से मैं थोड़ा कॉर्नफ्लावर, सबको पता है जो कॉर्नफ्लावर जो है ये थोड़ा सूप जो है उसको थोड़ा गाढ़, मतलब थोड़ा उसको अच्छे करने में, दिखने में गाढ़ो भी हो जाएगा उसमें। तो आप एक काम करिए, इसको कॉर्नफ्लावर को मैं इसमें पूरा डाल दिया। डालने के बाद मैं थोड़ा इसमें टमाटो सॉस और टमाटो केचप जो है वो थोड़ा टमाटो केचप इसमें मिक्स कर दिया। और अपने पास अगर चिली सॉस है तो थोड़ा चिली सॉस भी इसमें हम ऐड कर दिया, थोड़ा चिली सॉस। और हमको कुछ करना नहीं है, जस्ट इसको हम अच्छे से मिक्स करके हम वेट करेंगे एक सीटी या दो सीटी के लिए हम वेट करेंगे। ये सीटी शुरू हो जाएगा तो मेरा खाना भी, जो सूप है ये टेस्टी एंड हेल्दी सूप मेरा रेडी हो गया। आप लोग देखिए ऐसे करके बना के बनाइए, हमको लगता है अच्छा लगेगा। मैं इसको टेस्ट भी करके आपको दिखाऊंगा कैसे लग रहा है। हम देखते हैं क्या, एक सीटी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अंदर में बॉयल भी हो रहा है बहुत बहुत अच्छे किस्म से। अभी ये पूरा खाना पक गया, मैं और भी एक दो सीटी के लिए वेट करूँगा। और एक सीटी भी आ गया, और एक सीटी भी आ जाएगा, तो तब तक मैं वेट करूँगा। और अपना खाना भी पूरा रेडी हो गया, जो सूप बनाया मैं सूप पूरा रेडी हो गया है जस्ट। लेकिन इसमें अगर सूप मेरा पूरा रेडी हो गया है और मैं ऑफ कर रहा हूँ और ये जो बन गया, इसमें एक चीज़ है, अगर आप इसमें बाटर यूज़ कर रहे हैं अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि सोया सॉस यूज़ नहीं करेंगे मत करिए। टोमेटो सॉस, थोड़ा चिली सॉस आप डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नॉर्मली आपको बहुत ये टेस्टी और अच्छा लगेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए। मैं इसको खोल के देख रहा हूँ इसका अंदर में क्या है। फिलहाल हम देख रहे हैं इधर में, प्रेशर है, प्रेशर से पूरा रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आप लोगों को दिखाना है। सूप तो पूरा बन गया और इसका महक भी एक अच्छे से निकल के आ रहा है। और इतना वेजिटेबल ओनली रूम में पॉसिबल है, कोई शॉप में या कोई रेस्टोरेंट में इतना वेजिटेबल्स आपको सूप नहीं बना के देगा। ये आप घर में बना सकते हैं और ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, क्योंकि आप खुद बना रहे हैं, आपका सामने है, आप क्या क्या दे रहे हैं इसमें, इसमें कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। आप इसको आराम से बनाइए और टेस्ट भी करिए। अभी मैं इसको टेस्ट भी करके आपको दिखा रहा हूँ जिसको खाने में कैसे स्वादिष्ट बनता है। सूप जो है मैं थोड़ा निकल के अपना बर्तन में रखा हूँ, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा टेस्ट करके देख रहा हूँ तो सूप मुझे खाने में कैसे बन रहा है। बहुत गर्मी है, एकदम ठीक है, थोड़ा नमक कम है जो सही है, हम बता दिया एकदम नमक तो रखा मैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया है। हम लोग नमक और जो या काला नमक भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं बाद में, या जो काला मरीच है, ठीक है, गल मरीच बोलता है, उसको भी ऐड करिए। खाने में बहुत टेस्टी है, आप लोग खाइए और हेल्दी रहिए। थैंक यू वॉचिंग माई